हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडे, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। लक्ष्मी बॉम्ब और राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की क्लैश पर पहली बार बोले अक्षय कुमार। बॉलीवुड के दो सुपरस्टार की फिल्मों को लेकर आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार और चुलबुल पांडे की। ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन दोनों ने काफी ज्यादा हिट फिल्में भी दी हैं। बात करें इनकी फिल्मों की तो 2020 में कई बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाली हैं और करती भी हैं ये। लेकिन इन दोनों की फिल्मों की बात की जाए तो दोनों सुपरस्टार की फिल्में एक ही दिन ईद 2020 में एक दूसरे को करने वाली हैं क्लैश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब और सलमान खान की फिल्म राधे की। ये फिल्म ईद के दिन होंगी रिलीज। इस पर अक्षय कुमार से गुड न्यूज के प्रमोशन पर पूछा गया था कि आपकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश करने वाली है, आपका क्या रिएक्शन है। अक्षय कुमार के अनुसार, मैंने अपनी फिल्म का ऐलान पहले किया था और वैसे भी ईद के मौके पर दो बड़ी फिल्में क्यों नहीं आ सकती हैं। अक्षय कुमार यह मुद्दा उठाते आए हैं कि एक बड़े इवेंट पर दो बड़ी फिल्में आराम से रिलीज हो सकती हैं, क्योंकि दर्शक उन दिनों खाली होते हैं और दोनों फिल्मों को अच्छा बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। आपको क्या लगता है अक्षय कुमार के इस जवाब से सलमान खान का क्या होगा रिएक्ट? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल टुडेज, और साथ ही साथ आप हमारी न्यूज को today's.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।